सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइज, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। गाइज, आज की वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन की मदद से। सो गाइज, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए आप लोगों को इस टाइप का एक स्लो मोशन वीडियो शूट कर लेना है अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन की मदद से। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन के अंदर भी इसको कर सकते हो। उसके बाद में गाइज, आप लोग को सिंपली से गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर जाना है एंड आप लोग को सर्च करना है वीएन एप्लीकेशन। वीएन एप्लीकेशन को आप लोग गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप क्रोम से भी मोड एपीके वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में गाइस, वीएन एप्लीकेशन को चलिए मैं ओपन कर लेता हूं। गाइज, इसको ओपन कर लेने के बाद में आप लोग को प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना है। उसके बाद में गाइज, आप लोग को अपना वीडियो इंपोर्ट करना है जो कि मैंने आपको स्लो मोशन में रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, तो वो वीडियो को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड इस वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद में गाइज, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब गाइज, आप लोग को क्या करना है, इधर राइट साइड में स्क्रॉल करना है एंड आपको ये ब्लैक पार्ट है जो इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है। उसके बाद में गाइज, आप लोग को सिंपल से सबसे पहले इसमें साउंड डालना है। तो साउंड कैसे डालेंगे चलिए मैं बताता हूँ। तो गाइज, इसमें साउंड डालना है। गाइज, साउंड आप कैसे डालेंगे, गाइज आप लोग को जो स्काई वाला वीडियो है, ठीक है, जो हम लोग स्काई रिप्लेस करेंगे इसमें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो एंड साउंड भी आपका उसी के साथ में आ जाएगा। उसके बाद में गाइज, यहाँ पर टैप ऐड स्टिकर पीआईपी पर क्लिक करेंगे एंड वीडियो एंड फोटो में जाएंगे। उसके बाद में इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि हम लोग स्काई में रखने वाले हैं, ठीक है, उसको आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फाइंड कर लेता हूँ। सो गाइज, ये रहा हमारा वीडियो एंड इस वीडियो को गाइज आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले गाइज मैं कॉपीराइट आ जाएगा, सबसे पहले मैं इसके वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ यहाँ पर एंड वॉल्यूम को गाइज मैंने कम कर लिया है। अभी गाइज आप लोग को क्या करना है, इसको यहाँ ऐसे बड़ा करना है, ठीक है, ऐसे गाइज इसको बड़ा करेंगे एंड इसको यहाँ पर इस तरीके से गाइज एडजस्ट कर देंगे। तो अभी गाइज इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद में गाइज आप लोग को जस्ट क्या करना है, इधर साइड में स्क्रॉल करना है एंड आपको एक ऑप्शन दिखेगा मास्क, तो मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लीनियर पर क्लिक कर देंगे एंड इसको गाइज दोनों फिंगर्स की मदद से इस तरीके से रोटेट कर देंगे एंड रोटेट करने के बाद में ऐसे इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, एंड इसको इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद में गाइज ये जो आपका नीचे वाला एरो है, ठीक है, इसको आप लोग को इस तरीके से स्क्रॉल करना है, ठीक है, इस तरीके से इसको खींचना है। एंड गाइज अभी हमारा वीडियो बहुत ही तगड़ा बन चुका है भाई, वीडियो में जो है स्काई बहुत ही कमाल का लग चुका है एंड इसको इस तरीके से गाइज एडजस्ट कर देंगे एंड राइट पर क्लिक कर देना है। अभी गाइज आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। सो गाइज हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लग चुकी है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लग रही है भाई। एंड गाइज अभी सिंपली से हम लोग को क्या करना है, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा वाइड एंगल इफेक्ट डालना है एंड गाइज आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम कट कर देते हैं, तो उसको यहाँ पर कट कर देंगे। एंड गाइज अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें वाइड एंगल इफेक्ट डालना है, ठीक है, और हल्का सा आरजीबी इफेक्ट डालना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको सिंपल से एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। सेटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अभी गाइज इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद में आप लोगों को चले जाना है प्रिक्वेल एप्लीकेशन के अंदर। प्रिक्वेल एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइज चलते हैं प्रिक्वेल एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज प्रिक्वेल एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम आप लोग को अपना इंटरनेट डाटा यहाँ पर ऑन रखना है। उसके बाद में गाइज प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर क्या करना है, गाइज आप लोग को इधर आना है एंड आप लोग को यहाँ पर जाना है सबसे पहले गाइज एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद में गाइज आप लोग को यहाँ पर स्टाइलाइज में जाना है एंड आप लोग को यहाँ पर फिसाई दिखेगा, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा इस तरीके से माइनस की साइड में कर देना है जिससे कि आपका वीडियो में वाइड एंगल इफेक्ट आएगा। सो अभी गाइज इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में कलर वाले ऑप्शन में जाना है एंड आप लोग अपनी वीडियो को अपने हिसाब से कलर दे सकते हो, ठीक है, आप लोग अपनी वीडियो का कलर वगैरह एडजस्ट करके देख सकते हो, स्किन टोन वगैरह। अभी गाइज आप लोग को क्या करना है, सिंपली से गाइज यहाँ पर फिल्टर्स वाले ऑप्शन में जाना है एंड आप लोग को यहाँ पर स्क्रॉल करना है एंड आप लोग को गाइज एक फिल्टर दिखेगा गाइज विंटर, ठीक है, विंटर गाइज आप लोग को फिल्टर दिखेगा या फिर आप लोग ये लगा सकते हो लैपलैंड, ठीक है, ये वाला फिल्टर गाइज आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग को इस तरीके से कर देना है कम, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर। उसके बाद में गाइज यहाँ पर सर्च वाले बार में जाना है एंड आप लोग को यहाँ पर विंटर सर्च करना है, तो विंटर सर्च करेंगे विंटर।
सो गाइस यहाँ पर जैसे ही विंटर सर्च करोगे तो आप लोग को ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसको अपनी वीडियो में ऐड कर लेना है। सो गाइस ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो गाइस आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको एडिट करना है। यहाँ से गाइस आप लोग को इसको इस तरीके से माइनस की साइड में कर देना है। इससे गाइस सिर्फ हमें स्नो इफेक्ट चाहिए, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में गाइस आप लोग को क्या करना है, गाइस आप लोग को सिंपली से दोबारा से एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पर RGB ये वाला आपका इफेक्ट होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा लेंगे एंड इसको आप लोग इतना कर देंगे। एंड उसके बाद में एलिब्रेशन को भी आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। एंड गाइस ओवरऑल हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी सिंपली से गाइस इसको आप लोग को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। गाइस हमारा वीडियो यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब हम लोग इसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस ये वीडियो पक्का वायरल होएगा, इस बात की गाइस गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि इस टाइप की रील्स बहुत ज़्यादा वायरल चलती है। होप करता हूँ गाइस आप लोग को यार ये वीडियो पसंद है। गाइस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलता हूँ गाइस अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।